एंड वेलकम टू मेनस एंड द Monk. और uh, पुराने सेटअप में मैं आ गया हूँ और आपको थोड़ा डिस्कशन आज के, कल के मैचेस के बारे में थोड़ा करेंगे ये वीडियो जरूर थोड़ा लेट जा रहा है इन द डे बट यू नो रेस्ट अट वी विल बी बैक टू रूटीन वेरी वेरी सुन और कल के मैचेस के बारे में थोड़ी बात करते हैं कुछ चीजें हुई हैं और कल ऑफ द फील्ड भी कुछ चीजें हुई हैं। उसके, बारे में बात करेंगे। उसके पहले ऑफकोर्स तीन मैचेस में आ, उन्होंने मतलब वो जीत नहीं पाए थे तो ये मैच उनके लिए इंपॉर्टेंट था इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम और अगर आप मैच देखोगे तो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस थी आर्सनल की फर्स्ट हाफ में um you know dominate जरूर किया आर्सेनल ने बहुत ज्यादा you know बॉल थी उनके पास बहुत ज्यादा पोजीशन था उनके पास लेकिन फिनिशिंग टच नहीं मिल पा रहा था आर्सेनल को जो कि उन्होंने सेकंड हाफ में फाइंड किया um you know और अगर आप स्कोर लाइन देखोगे और अगर अगर किसी ने मैच नहीं देखा है तो वो शायद सोचेगा कि अरे ये मैच तो काफी क्लोज रहा होगा बट ऐसा नहीं था आर्सेनल ने बहुत अच्छी तरह से डोमिनेट किया तो uh, you know सेकंड हाफ में मेरे ख्याल से कंट्रोल you know, गोल आता है और सात मिनट के बाद बुकायो साका भी स्कोर कर देते हैं तो उसके बाद से तो आर्सनल बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल हो गई थी कंफर्टेबल वैसे भी थी बट कोर्स uh, गोल मारना पड़ता है मैच जीतने के लिए तो वो नहीं आ पा रहा था जो सिक्सटी मिनट पे गोल आया और फिर सेवेंटी सेकेंड मिनट पे एटी नाइन्थ मिनट पे टाइवो एवनि ने गोल मार के जरूर थोड़ा सा मामला uh, स्पाइसी कर दिया था फॉर नॉटिंगम फॉरेस्ट um, uh, नूनो स्पिरिटो सेंटो के अंडर एक छोटा सा शायद रिसर्जेंस आपको बोल सक आप बोल सकते हो वुड बहुत अच्छा खेल रहे तो वो एक था लेकिन लार्जली आर्सनल वर कंफर्टेबल एंड बारिंग कोई अजीब सा कोई नो आउट ऑफ द प्ले वैसा गोल आ जाता उसको छोड़ के तो आर्सनल काफी थी मैच में ऐसा क्लियरली you know, दिखा हमको um, एक एवन के बारे में मैं एक चीज़ जरूर बोलना चाहूंगा कि यू नो एवनि एक प्लेयर है जिनको उतना क्रेडिट मिलता नहीं है बट यू नो ही ऑलवेज पॉप्स अपल अभी इसका मतलब ये नहीं है कि अचानक से हम उनको बहुत ज्यादा हाइप कर दें और बोलते नेक्स्ट बिग थिंग और एनीथिंग बट हीज बुंदेस लीगा में भी और नॉटिंगम फॉरेस्ट के लिए भी जब भी उनको यू नो चांस मिलता है तो मोर ऑफन द नॉट एवनी विल बी वन वन ऑफ द वन ऑफ द पीपल जो आपको एक गोल स्कोर करते हुए दिखेंगे तो एवनी की थोड़ी तारीफ करनी पड़ेगी बट आर्सेनल की तरफ से काफी अशॉर्ट परफॉर्मेंस थी एंड यू नो 19 शॉट्स तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि उनका कितना कंट्रोल था कितना अटैकिंग वाइज वो कितने

पे कहीं ना कहीं आप स्ट्रगल करते हुए देख सकते हैं फुलम को थोड़ा इशू होता, मतलब अच्छा होता है और बाकी अगर आप एवर्टन की बात करो तो एवर्टन तो खैर रेलीगेशन बैटल में आप पूरी तरह से इन्वॉल्व है तो निल निल हुआ है आ, फर्स्ट हाफ तो अब एब्सोलूटली डेड था सेकेंड हाफ में फिर भी थोड़े चांसेस क्रिएट थे Uh, बहुत ही फ्लैट गेम था बहुत ज्यादा बात करने के लिए इस, इस बार इस गेम के बारे में है नहीं एविटन uh, अब आ चुकी है रेलिगेशन जोन में जो हम एक डिस्कशन कर रहे थे कि क्योंकि कहीं लूटन जीत जाए और यू नो एविटन हार जाए या एविटन नहीं पॉइंट्स पिकअप करे तो वो रेलीगेशन जोन में आ सकते हैं तो अब एविटन रेलीगेशन जोन में आ चुकी है लूटन उनसे ऊपर चली गई लूटन के रिजल्ट की बात करेंगे बिग विक्ट्री फॉर देम बट एविटन के लिए थोड़ा प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है फुलम -um के लिए ठीक है वो मिड टेबल है बीच में ऐसा लग रहा था कि कुछ एक रिसर्जेंस टाइप का आ रहा है uh, कुछ चांसेस थे इस मैच में लेकिन ओवरऑल यू नो ये मैच बहुत ही ज्यादा फ्लैट था और एवर्टन को थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ रहा है उनको थोड़ा सोचना पड़ रहा है लूटन की बात करते हैं तो लूटन ने ब्राइटन को होम पे 4-0 हराया है एंड फेयर टू से नोबडी सॉ इट कमिंग यस कुछ लोगों ने uh, मतलब यहां पे मानस ने भी uh, प्रेडिक्ट किया था एक लूटन विक्ट्री बट फोर नील की विक्ट्री थर्टीन सेकेंड्स के बाद लू, लूटन ने आ, लीड ले ली थी और उसके बाद बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस लूटन की आडेबायो इज द इज द मैन ऑफ द डे एंड यू नो लूटन ने ब्राइटन को बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से हराया है आ, ब्राइटन के लिए ये सीजन थोड़ा एंटी क्ल, क्लाइमैक्टिक हो रहा है ब्राइटन एट्थ पोजीशन पे है थर्टी पॉइंट्स के साथ एक जो ब्राइटन के बारे में एक डिस्कशन चल रहा था कि ब्राइटन अभी वापस आ चुकी है और ब्राइटन अब इम्प्रूव करेगी डिजर्बी के ऊपर कुछ क्वेश्चन uh, yes, उन्होंने अपने काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स खोए हैं एंड यू नो डिजर्बी के ऊपर काफी डिस्कशन की डिजर्बी कैसा करेंगे कंटिन्यू करेंगे नहीं करेंगे क्या हो रहा है वहां पे बहुत सारी चीजें हैं और हमको वो देखने को मिल रहा है कि ब्राइटन थोड़ा स्ट्रगल कर रही है अम्म um, लूटन ने कल एक हिस्ट्री की प्रीमियर लीग की हिस्ट्री में ओनली लेस्टर सिटी इन द ओपनिंग टू मिनट्स दो मिनट में दो गोल मारने वाले इसके पहले सिर्फ लेस्टर ने किया है प्रीमियर लीग में और वो था डाबी काउंटी के अगेंस्ट नाइनटीन में और उस उससे उस, बस वही एक है चुके हैं अदरवाइज टू नील की जो लीड थी वो सेकंड हाईएस्ट है की दो मिनट के अंदर और एडेबायो की परफॉर्मेंस तो एब्सोल्युटली ब्रिलियंट थी लूटन इज नॉट एन इजी प्लेस टू गो टू और आपने देखा है कि उन्होंने सारी टॉप टीम्स को भी प्रॉब्लम्स कॉज की हैं इंक्लूडिंग लिवरपूल इंक्लूडिंग मैनचेस्टर सिटी इंक्लूडिंग आर्सनल ब्राइटन को भी उन्होंने प्रॉब्लम सोल्व किया मतलब अब आप बोलोगे ब्राइटन टॉप yes, अच्छा परफॉर्मेंस किया है लूटन ने. तो लूटन अगर इसको सर्वाइव करती है लॉकियर के लिए कल एक मैच के पहले जहां पे को दिखाया गया था कि वो आ रहे हैं अपनी टीम से मिल रहे हैं बात कर रहे हैं ग्रेट ग्रेट टू सी ग्रेट टू सी एंड इज दिसुटली ब्रिलियंट लूटन

ऑली व प्लेयर जिनकी तारीफ में हमेशा करता हूँ और यहाँ पे भी करूंगा किन्सुलेशन गोल जरूर लिया बट न्यू कासल के लिए दिस इज अग बिग विक्ट्री अगर आप टेबल की बात करोगे तो न्यू कासल अभी लेवल ऑन पॉइंट है वो लोग सेवन्थ पोजिशन पे है टेबल पे uh, और यू नो दे थिंकिंग अबाउट की यूरोप में कुछ कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं uh, गेम की अगर बात की जाए तो यू नो शिकार ने गोल स्कोर किया जॉन मैगिन के पास बहुत अच्छे चांसेस थे ये परफॉर्मेंस न्यू की बहुत अच्छी थी एंड यू नो विला की जहाँ तक बात की जाए तो Aston Villa बहुत काफी क्योंकि उनके पास एक चांस था और अभी वो एसटनविलान पे आ गए हैं को अपना अपना खेलना है अगर अपना मैच जीतती है तो वो एटलीस्ट लेवल हो जाएंगे और यू नो गोल गोल अगर एक गोल भी टॉटनम मारती तो लेवल वन उनका गोल डिफरेंस भी बराबर हो जाएगा तो एक्चुअली और अगर टू नील से जीतते हैं या एक गोल के डिफरेंस से ज्यादा से स्पर्स जीतती है तो

एक्सपेक्टेड uh, नहीं था कि बहुत सारे लोगों ने राइट ऑफ कर दिया था न्यूकासल को उनकी इंजरीज के वजह से उनके फॉर्म की वजह से बट यहाँ पे एक फेमस विक्ट्री फेमस विक्ट्री तो नहीं बट एक गुड विक्ट्री रजिस्टर की है एस्टन विला ने और यू नो प्रीमियर लीग सीजन को और भी इंटरेस्टिंग बनते हुए हम देख रहे हैं और आखिरी में थोड़ा ऑफ फील्ड ऑफ यू नो डिस्कशन करेंगे थोड़ा आज तो ऑफ कोर्स लिवरपूल वर्सेस न्यूकासल है तो uh, हम वॉच अलॉन्ग करेंगे वो सब कुछ होगा बट थोड़ा बात करते हैं अबाउट लिवरपूल तो वर्जिल वैंडाइक ने सबसे पहले Uh, एक स्टेटमेंट जिसके बारे में हमने कल वीडियो किया था तो वर्जल मैंडाइक ने एक स्टेटमेंट दिया था कि आई डोंट नो अबाउट माई फ्यूचर एट लिवरपूल तो उन्होंने लिबोपुरफाई किया है कि इट हैज बीन टेकन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट न्यूज बहुत नई थी क्लॉप ने भी इसको एड्रेस किया अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोला कि नहीं uh, ये दीज बॉयज आर कम्प्लीटली वन हंड्रेड परसेंट कमिटेड टू द कॉज एंड यू नो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं नो बडी नीड्स टू वरी अबाउट दिस मैंने इस चीज के बारे में एक छोटा सा ट्वीट किया था बट बट मैं अपना पोजिशन पहले इसके बारे में बता देता हूँ मुझे लगता है कि बहुत नॉर्मल सी चीज बोली थी वर्जिल वैन डाइक ने कोई भी प्लेयर बिफोर वो जान जाए कि मैनेजर कौन है क्लब किस डायरेक्शन में जा रहा है वो नहीं इस तरह की चीज बोलेंगे कि नो आई एम कमिट नहीं मैं मैं तो अपना पूरा कॉन्ट्रैक्ट देख के जाऊंगा हालांकि बाद में उन्होंने बोला कि मैं कम्प्लीटली कमिटेड हूँ और उसने बहुत ज्यादा नर्व्स को शांत कर दिया लिवरपूल फैंस के बट कोई भी प्लेयर यू uh, नो you know, जानना चाहेगा कि क्लब किस डायरेक्शन में जा रहा है हम क्या करने वाले हैं एज अ क्लब बिफोर सेइंग कि नहीं आई एम यू हैव माय 100 कमिटमेंट एंड मैं आप आपको पूरी तरह से अपना ये दे रहा हूँ तो ये सबसे बड़ी बात है दूसरी बात अगर आप देखो तो यू नो क्लॉप ने भी इस चीज को बोला कि ये न्यूज बहुत नहीं है तो आप ओवर रिएक्ट कर नहीं करो यू नो देर देर विल बी अ ऑफ मीडिया जो अभी क्लॉप के छोड़ने की बात को लेकर उसको भूनेंगे उसके ऊपर नई 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 स्टोरीज लिखेंगे। वो कॉन्वर्सेशन होगा बट एट दिस पॉइंट इट इज गुड टू हैव दिज क्वेश्चन एंड में आ जाए और अचानक से आपका जो यू नो एंगी है वो ट्रांसफर रिक्वेस्ट में बदल जाए फिर वो ज्यादा तकलीफ की बात है ये क्वेश्चंस अभी एड्रेस कर लेना बेटर है और आखिरी में बात करेंगे माइकल एडवर्ड्स की तो माइकल हैज टर्न डाउन अ चांस टू जॉइन लिवरपूल Uh, और माइकल एडवर्ड्स एक आइडिया uh, फ्लोट किया गया था कि एक और जो उनका प्रीवियस रोल था उससे और सीनियर पोजीशन में उनको यू you नो know, एक पोजीशन ऑफर की गई थी बट वो उन्होंने मना कर दिया और uh, वो कंटिन्यू करना चाहते हैं तो अगर कुछ लोगों को नहीं पता है तो माइकल एडवर्ड्स के बारे में uh, ये न्यूज आई थी बट पता नहीं मिस हो गई लोगों से क्या हुआ तो माइकल एडवर्ड्स अब किसी क्लब के साथ काम नहीं करना चाहते हैं ऐसा अभी जो पोजीशन है उनकी वो किसी एक पर्टिकुलर क्लब के साथ काम नहीं करना चाहते हैं उनकी खुद की एक कंसल्टेंसी टाइप की है जहां पे वो दूसरे बहुत सारे प्रीमियर लीग क्लब्स के साथ काम करेंगे और उनको वो इनपुट्स प्रोवाइड करेंगे उनका उनकी ये पोजीशन क्लियर है और यू नो ही वांट्स टू डू समथिंग ऑन हिज ओन सो उसकी वजह से ही इज नॉट एक्सेप्टिंग एनी पोजीशन इसके पहले भी दूसरे क्लब्स ने उनको अप्रोच किया है यू नो बट ही वांट्स टू कंसंट्रेट ऑन दिस एंड लेटेस्ट इज लिवरपूल हैड ऑफर्ड अ चांस तो जो जो आईडिया है वो लिवरपूल का ये है कि हम Uh, पहले एक स्पोर्टिंग डायरेक्टर को अपॉइंट करेंगे तो वेस्ट हैम के जो यू नो स्पोर्टिंग डायरेक्टर हैं उनको अप्रोच किया गया है वो वही थे जिन्होंने यू नो अप्रोच किया था और अपॉइंट किया था चाबी लॉन्जो को एट 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 बायन बट यू नो दिस इज दिस इज समथिंग जो हम कोशिश कर रहे हैं टिम uh, स्टीडन नाम है उनका uh, और वो यू you नो know, उनको अप्रोच किया जा रहा है एक और है रोमा के जो है उनका नाम मुझे एक्सैक्टली exactly, Uh, याद नहीं आ रहा है आई थिंक इट्स टियागो पिंटो फ्रॉम रोमा जो जिनको अप्रोच किया जा रहा है फॉर द स्पोर्टिंग डायरेक्टर तो पहले हम स्पोर्टिंग डायरेक्टर ऐसा आइडिया है कि हम पहले स्पोर्टिंग डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे फॉर द मैनेजर अपॉइंटमेंट ये सारा कुछ ऑन इन द बैकग्राउंड चल रहा है डिस्कशन चल रही है और देखते हैं कि क्या होता है बट ओवरऑल दीज आर द अपडेट्स यार आप हमको कॉमेंट सेक्शन में बताओ